बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद महमूद है और आप देख रहे हैं राइड एंड शूट। वेलकम टू अनदर गराज वीडियो फ्रॉम माय चैनल। आज की वीडियो में हम अपनी GS150 के स्टेयरिंग स्टेम के बेयरिंग्स चेंज करेंगे। स्टेयरिंग स्टेम बोल लीजिए या इसको हैंडल कॉन्स बोल लीजिए, हम उनकी तब्दीली करेंगे। रीज़न क्या है, अभी मैं आप देख रहे हैं कि मेरी मोटरसाइकिल का हैंडल फ्री होना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल सेंटर पोजीशन में मौजूद है। अगर इसको मैं थोड़ा सा हिला के सेंटर पे लेके आऊँ तो ये यहाँ पे लॉक हो जाता है। साइड्स पे भी इसी तरह से है, इस साइड पे भी हैंडल रुक जाएगा और लाइक दिस इस साइड पे भी ये हैंडल रुक जाता है, हत्ता कि इसकी एंड पोजीशन ये है। रीज़न मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट नहीं है, मेरी अपनी मिस्टेक थी। मुझको शक था कि हैंडल लूज़ हुआ हुआ है इसकी कॉन्स, मैंने वो टाइट कर दी हैंडल से, वो अनफॉर्चुनेटली मिस जजमेंट हुई, ज़्यादा टाइट हो गई। मैंने दोबारा ढीली नहीं की हैंडल में किसी किस्म की, मुझको डिफ़िकल्टी फील नहीं हो रही थी, ज़्यादा हैवी फील भी नहीं हो रहा था, बट ओवर टाइम ओवर टाइटनिंग की वजह से बॉल रेसिस में बेयरिंग्स में खड्डे पड़ गए, जिसकी वजह से यह सूरत हाल आती है। अब होता क्या है, स्ट्रेट चल रहे हैं चलो ठीक है, लेकिन जिस वक्त आप टर्न पे होते हैं तो फ़र्ज की आपका स्टेयरिंग यहाँ पे है, स्टेयरिंग में थोड़ी बहुत भी मूवमेंट आई टर्न एडजस्ट करने के लिए तो एक दम से झटका लगता है स्टेयरिंग को, और ऑन टर्न दैट इज़ प्रीटी डेंजरस, वो झटका लेता है और अगले खड्डे में जाके हैंडल की कॉन्स की बॉल्स जो हैं वो फंस जाती हैं, तो टर्न नेगोशिएट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है और डेंजरस भी होता है। तो लेट्स कंटिन्यू, फिर हम कंटिन्यू करते हैं बाइक की डिसमेंटलिंग से। फ्रंट का पूरा पोर्शन डिसमेंटल होएगा जस्ट टू गेट एक्सेस टू द ट्रिपल ट्री, या फिर हम जिसको ऐनक बोलते हैं, ऊपर की ऐनक या नीचे की ऐनक वो खुलेगी। तो कंटिन्यू करते हैं फ्रंट पोर्शन की डिसअसेंबली से। Thank you.
तो व्यूअर्स, अभी तक की सूरत हाल ये है कि हैंडल यहाँ से जौन सा है टोटली लूज़ कर लिया गया, उतार लिया गया है। कंट्रोल पैनल कस्टम क्लॉक वाला वो रिमूव हो गया, हैंडल बार के रेज़र रिमूव हो गए, और अब एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि अगर मैं शॉक्स को ऊपर से रिलीज़ करूँ, ये दो बोल्ट्स खोल के जिस पे से शॉक्स फ्रंट के फोर्क्स माउंटेड होते हैं, तो ये सारा हिस्सा मीटर समेत आगे को चला जाना चाहिए और ये वाली स्पेस फ्री हो जानी चाहिए। ट्रिपल ट्री का टॉप के बोल्ट और टॉप की रेसेस विजिबल होनी चाहिए। तो लेट्स सी क्या सूरत हाल बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जोन से हैं टॉप की माउंटिंग स्क्रूज फ्रंट फोक्स के, ये मैंने पहले ही लूज कर लिए थे। जी व्यूअर्स, एज एक्सपेक्टेड हमको ट्रिपल ट्री की टॉप जोन सी है, ऊपर ट्रिपल ट्री तो ये रिमूव हो गया, स्टेयरिंग स्टेम का टॉप जोन सा वो एक्सपोज हो गया, लेकिन सबसे पहले अभी में हमने यहाँ पे वापस लग्स लगाने हैं जो कि हमने रिमूव किए, चूँकि ये सबब बन सकते हैं किसी भी किस्म की कंटामिनेशन की जो कि शॉक्स के ऑयल में जा सकती है। तो सबसे पहले हम वापस ये सील्स और टॉप माउंटिंग्स वो इंसर्ट करेंगे। जी तो व्यूअर्स, तो सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि मैंने टैंक के ऊपर एक कपड़ा बिछा लिया ताकि स्क्रैचेस वगैरह से बच सके, और स्टीयरिंग स्टेम का टॉप जोन सा है वो मैंने फ्री किया है, जगह बनाई है उस पर काम करने के लिए। फ्रंट पोर्शन जोन सा है ऐनक और पूरा स्टीयरिंग स्टेम जोन सा है नीचे रिमूव करने के लिए, वहाँ पर सामने स्पेस क्रिएट किया। तो अभी भी नेक्स्ट काम है कि हमारा ये जोन सा एडजस्टिंग नट है स्टीयरिंग स्टेम के टॉप पर, इसको लूज़ किया जाए। हथौड़ी और साथ में चिजल ले लें या आप कोई भी चीज़ ले लें, मैं पेचकस के साथ इसको लूज़ कर रहा हूँ। ओके, ये लूज़ हो गया। अब हम चलते हैं बाइक के फ्रंट की तरफ और नीचे ऐनक पे हाथ रखते हुए इसको लूज़ करके पूरा जोन सा है ऐनक जोन सा है स्टीयरिंग कॉलम के साथ हम उसको नीचे उतार लेंगे। जी व्यूअर्स, हम बाइक के फ्रंट पे आ गए हुए हैं। हम निचली ऐनक पे हाथ रखते हुए ऊपर से हम लूज़ करेंगे एडजस्टर नट जो हमने अभी ब्रेक लूज़ किया था। दिस इज़ वेदर सील। उसके बाद जोन सा है हम बॉल्स के ऊपर की रेस या कोन कह लेते हैं जिसको हम
वो रिमूव करेंगे। ये आ गई हमारी ऊपर वाली कोन और अभी मैं हमारा स्टेरिंग कॉलम या स्टेरिंग स्टेम बोल लें जैसे कह लें ऐनक, वो नीचे आ जानी चाहिए लाइक दिस। गोलियां जौन सी हैं वो गिर रही हैं। ये हैं कुछ गोलियां, नीचे की गोलियां और नीचे बड़ी वाली गोलियां हैं, ऊपर छोटी गोलियां हैं। साफ करते हैं। मैं गोलियां कलेक्ट करता हूँ, थोड़ी सी सफाई करता हूँ और फिर आपके पास दोबारा आता हूँ, आपको डिटेल में सारा कॉलम जो है वो दिखाता हूँ। जी व्यूअर्स, तो हमने स्टेरिंग स्टेम से ये हार्डवेयर रिमूव किया था हमारा लोअर ट्रिपल ट्री, इसके बीच में लोअर एंड की लोअर रेस जोन सी है वो लगी हुई है और इसमें शायद आपको कैमरा दिखा ना पाए लेकिन ये जोन सा आपको डिस्कलरेशन नज़र आ रही है, ये इनफैक्ट तमाम खड्डे हैं। अगर इन पे मैं पेचकस चलाऊं तो पेचकस को जर्क्स आते हैं, वो यहाँ पे फंस के चलता है। उसके बाद ये हमारी अपर साइड की अपर कोन है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये खड्डे बन गए हुए हैं, उनमें जंग लग गया हुआ है और यह जोन सा है बॉल्स फंस के चलती हैं, तो जर्क्स की रीज़न ये बनती है। उसके बाद ये टॉप की वेदर सीलिंग और ये एडजस्टमेंट नट, अभी मैं देखते हैं कि बाइक पे क्या सूरत हाल है। तो लेट इट फोकस। जी तो ये जौन सा आप डिस्कलरेशन देख रहे हैं, ये जौन से हैं खड्डे पड़े हुए हैं और इसी तरह जौन सा है, शायद आपको अच्छे तरीके से नज़र ना आ पाए, लेट इट फोकस। इसी तरह ये जौन सा जंग लगा हुआ है नीचे के लोअर एंड की रेस में, ये भी खड्डे पड़े हुए हैं। अब ये टॉप का जौन सा है रेस, ये भी रिमूव होएगी, बॉटम की भी रिमूव होएगी और इसको रिमूव करने का कोई दूसरा अच्छा तरीका नहीं है बजाय ये कि इनको हैमर आउट किया जाए। ये पंच हुई भी हैं तो इनको हैमर और चिजल की मदद से पंच करके ही बाहर निकाला जाएगा, तो लेट्स ट्राई टू टेक देम आउट। आपको एक चीज़ और दिखा दूँ मैं, रिप्लेसमेंट पार्ट के तौर पे मैं सुजुकी की ओरिजिनल किट लेके आया था और इसके साथ जो गोलियां प्रोवाइड की गई हैं वो ये गोलियां हैं और रिप्लेसमेंट के तौर पे ये जोन सी है कंप्लीट किट, ये जोन सा है इसमें इंसर्ट की जाएगी। चलें कोशिश करते हैं कि अब जौन सा स्टेरिंग स्टेम में लगी हुई हैं रेसेस उनको पंच आउट किया जाए।
व्यूअर्स, हमने अपर रेस और लोअर रेस दोनों जोन्स ही हैं पंच आउट कर ली हुई है। पंच आउट करते वक्त एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जब आप इसको चोट लगा रहे होंगे तो आपने एक चोट यहाँ पे लगानी है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, या अल्टरनेटली कम से कम दो साइडों पे जोन सा है अल्टरनेटली आहिस्ता आहिस्ता से चोट लगाते हुए इनको बाहर निकालना, क्योंकि बहुत टाइट फिटिंग में होती हैं। अगर तो आपने सिर्फ एक साइड से इनको पंच किया तो ये बीच में अपनी बेस में जहाँ पे इन्होंने बैठना है वहाँ पे ये फंस जाएगी, ख़राब होगी। निकलने में जौन सा है आपका ये वाला पोर्शन जिसमें ये रेस बैठती है, इसका कॉलर जौन सा है वो ख़राब हो जाएगा और आइंदा से ये ठीक तरीके से नहीं बैठेगी, टेढ़ी बैठेगी या लूज़ रहेगी, जो कि अच्छी बात नहीं है। अच्छा, दिस इज़ लोअर रेस, दोनों के बीच में खड्डे मौजूद हैं और जंग लगा हुआ है जहाँ से खड्डों की वजह से उनका क्रोम उतर गया हुआ है। और सिमिलरली जौन सा है अब एनक या लोअर ट्रिपल ट्री, उसमें जौन सी कोन लगी हुई है वो भी जौन सा है, हैमर आउट करके निकाली जाएगी। तो अभी मैं वो रिमूव करता हूँ और रिमूवल के बाद नई सेट जौन सा है, नया सेट जब मैं बीच में प्रेस करता हूँ तो मैं वापस दोबारा आपकी तरफ फिर आता हूँ।